चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36 हम कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे स्केप वेलोसिटी के बारे में। देखो गाइस, स्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि अर्थ, मान लो ये अर्थ सरफेस है और आकर आपको अर्थ सरफेस के बियॉन्ड जाना है, लेट सपोज आपको इस हिस्से पे जाना है, ठीक है, तो आप इस हिस्से पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटी से आपको नीचे की ओर खींच लेती है। अर्थ ग्रेविटी लगा के आपको नीचे की ओर खींच लेती है, राइट। और अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो यार अगर आपको इस स्केप को, यानी कि इस पॉइंट को, ये मान लो कि अर्थ का आउटर पॉइंट होगा, सपोज इसको हम बोल रहे हैं ये मेरा अर्थ एटमोसफेयर है, इस एटमोसफेयर के बियॉन्ड मुझे को जाना है, तो मैं क्या करूँगा? अकॉर्डिंग टू साइंस मुझे ना 9.8 से ज़्यादा एक्सेलेरेशन रखना पड़ेगा खुद का। अगर मैं 9.9 भी रखता हूँ तो मैं शायद स्केप कर जाऊँ, इस सरफेस को छोड़ के चला जाऊँ। जो रॉकेट्स होते हैं, जितने मिसाइल्स होते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जो अर्थ सरफेस से बाहर जाते हैं, उनकी वेलोसिटी का ध्यान रखा जाता है। उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि कुछ भी हो 9.8 से तो ज़्यादा होना चाहिए। अगर 9.8 से ज़्यादा आपकी वेलोसिटी है तो आप अर्थ एटमोसफेयर को स्केप करके आगे की ओर बढ़ जाओगे। इन्होंने कहा कि आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है स्केप वेलोसिटी का अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सीधा सीधा इस डायग्राम को आप ध्यान से नोटिस करो। इस डायग्राम को मैं अलग से क्लियरली ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे रब करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक अर्थ सरफेस हम ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल। यहाँ पे मैंने आपके लिए अर्थ सरफेस ड्रॉ कर दिया, राइट। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये अर्थ सरफेस के बाहर आपको जाना है तो एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है जहाँ पे आपको जाना है, ये पॉइंट इन्फिनिटी मान लेते हैं, इस जगह पे आपको रीच करना है, राइट। अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से ग्रेविटी लगता है, क्योंकि सारा मास कहाँ कंसेंट्रेटेड होता है? सेंटर पे, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जाना है। अच्छा, इस जगह पे मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा जिसे हम पी पॉइंट बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ तक आपको ग्रेविटी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि अर्थ सरफेस को छोड़ दोगे तभी ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थ अपने सरफेस से कुछ दूर तक ग्रेविटी लगाता है, ठीक है। इसके पी पॉइंट के बियॉन्ड चले जाओगे ना, फिर आप मान लो कि आपको अब ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी अपने रॉकेट्स होते हैं, उन रॉकेट में ड्यूअल इंजन होता है, दो इंजन होता है। जब वो अर्थ सरफेस से ऊपर उठता है तब उनके दोनों इंजन स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक बार जब अर्थ सरफेस के बाहर चला जाता है तो एक इंजन बंद कर लेता है, फ्यूल बचाता है, क्योंकि अब तो उसको कम ही वेलोसिटी से ऊपर जाना है, कोई खींचने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट तक दो इंजन स्टार्ट होंगे। दो इंजन का यही काम होता है, एक इंजन तो 9.8 की वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है, राइट, और दूसरा इंजन उससे ज़्यादा, ताकि वो ऊपर उठता रहे, ऊपर कॉन्स्टेंट चलता रहे। तो ये तो एक फैक्ट था आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये अपना पूरा अर्थ सरफेस है, ये सेंटर है अपना जहाँ पे ये सेंटर होगा, राइट। इस सेंटर से ऊपर की ओर उठो तो यहाँ तक जो है ये रेडियस निकल के आएगा। इफ़ आई हैव टू ड्रॉ वेरी प्रिसाइजली आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज आवर रेडियस, राइट। ये अपना रेडियस हो गया। अब समझते हैं इस बात को कि आपको सबसे पहले तो अर्थ के सरफेस से बाहर निकालना है और उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना है। पी पॉइंट इज योर एटमॉस्फेयर। अच्छा देखो, तो हमारे साथ ना फोर्स लगने वाला है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लगने वाला है? मान लो कि आप कोई सैटेलाइट लेके जा रहे हो, लेट सपोज ये अपना सैटेलाइट है मान लेते हैं, तो ये सैटेलाइट आपको लॉन्च करना है, तो ये सैटेलाइट का अपना एक मास होगा, तो इसका मास हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसका मास मान लिया एम, और अर्थ का मास हमेशा से होता है कैपिटल एम। तो अर्थ क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो जब दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू होती है एफ बराबर, हमेशा से लिखी जाती है एफ इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स है, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ये आर स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखो ये एक्स डिस्टेंस है, आपको एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल करके ऊपर तक जाना है। तो इस डायग्राम में अगर मुझे एक्स बनाना पड़े, आई हैव टू ड्रॉ, तो मैं एक्स कैसे बनाऊंगा? इस पॉइंट तक की वैल्यू जो होगी ना, इस पॉइंट तक की वैल्यू, ये हमारे लिए एक्स होगी, ठीक है। और जो दूसरा मास है स्मॉल एम, वो यहाँ प्रेजेंट है और पहला मास यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो अब समझ में आ गया, इस जगह पे भी आप एक्स लिख लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। चलिए, ये चीज समझ गए आप। अब हम जानते हैं द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस पी क्यू डी एक्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेज गिवन बाय। अब क्या है कि आपको ना यहां तक तो कैसे भी करके आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क इस पॉइंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है जहां तक अर्थ आपके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यहां पे अगर थोड़ा सा भी आप वर्क करके आगे निकल जाते हो, इस पॉइंट को स्केप कर देते हो, उसके बाद तो भाई आप इन्फिनिटी में कहीं भी घूमो, मतलब इन्फिनिटी मतलब स्पेस में कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पी से जरा सा ऊपर हम एक क्यू ड्रॉ करते हैं, राइट। तो पी से जरा सा ऊपर हमने एक क्यू पॉइंट ड्रॉ कर लिया। आपको बस इस पी से क्यू तक का सफर करना है। देखो, ये सेंटर है, सेंटर यानी ओरिजिन पे,
यहां से यहां तक तो पक्का ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। बस इस पी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना, अब जरा सा वर्क डन एक्स्ट्रा और कर दोगे ना तो आप क्यू पे पहुंच जाओगे, और क्यू के बाद सब कुछ इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये जो पी और क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो डी एक्स मान लेते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं डी एक्स, राइट, इसको हम मान लेते हैं डी एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको डी एक्स, ये चीज़ आप समझ गए। ओके, तो जो वर्क डन हमें करना है कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, पी से क्यू तक जाने के लिए जो वर्क डन करना है बच्चों, हम यही चीज़ निकाल रहे हैं। अब अर्थ का मास पी तक भी वैलिड है, ठीक है, अर्थ का मास पी तक भी वैलिड है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। आप इस डायग्राम में देखो, ये पी से, इस पी से आपको इस क्यू तक जाना है, राइट। चलिए हम फोर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व, हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो वर्क डन का डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये डी एक्स वही डिस्प्लेसमेंट है जो हमें ट्रेवल करना है, बस इतना डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट। अब हम फोर्स की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालेगी कैपिटल जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ओके, अब आप इंटीग्रेट कर दो, आप कर दो इंटीग्रेट, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, बाहर कॉन्स्टेंट निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ से मास भी दोनों का कॉन्स्टेंट होगा, मास तो आपको अर्थ का भी पता है और सैटेलाइट का भी पता है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस टू बन जाएगी और ये हो गया डी एक्स, राइट। अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन। आपने क्या किया, आपने एक पावर बढ़ाया तो माइनस टू में एक बढ़ाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और उसी पावर से डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ तक, अच्छा इंटीग्रेशन हो चुका है इसका। अब आपको लिमिट सेट करनी थी, तो लिमिट के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिमिट क्या चल रहा होगा, पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और उसके, सॉरी, पहले डिस्प्लेसमेंट होगा आर, रब कर लेते हैं इसको, समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट आर क्यों हुआ, और बाद में डिस्प्लेसमेंट होगा इन्फिनिटी, बाद में तो आपको इन्फिनिटी तक जाना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अर्थ एटमोसफेयर से रिलीज करके और इन्फिनिटी में पहुँचना है। तो जो ये आपका इनिशियल पॉइंट है वो आर है, ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है वो, तो लोअर लिमिट हो गया यहाँ पे आर और अपर लिमिट हो गया इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, इसको अब हम आगे यहाँ पे एक फ्रेश स्लाइड लेके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स की पावर माइनस वन, नीचे माइनस वन, यहाँ पे आर और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया माइनस जी एम स्मॉल एम वन, एक्स की पावर माइनस वन को हम वन बाई एक्स भी लिख सकते हैं, राइट, ये हो गया आर और ये हो गया इन्फिनिटी। आप लिमिट्स पुट कर दो, ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह वन बाई इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे वन बाई इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट की जगह वन बाई आर आएगा। वन बाई इन्फिनिटी हमेशा से जीरो होता है, तो इसकी जगह हम जीरो पुट कर सकते हैं बाद में। चलिए अब आगे और करते हैं इसको, तो ये वर्क डन जो है अपना ये निकल के आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसकी जगह पुट कर दिया जीरो, ये आ गया वन बाई आर, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, वर्क इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में माइनस का आर, राइट, ये वन बाई आर जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का आर हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वर्क डन इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्केप वेलोसिटी निकाल रहे थे, हम वर्क क्यों निकाल के बैठे हैं, क्योंकि यार कुछ भी है सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब इस वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस एनर्जी से फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे, राइट। तो देखिए ये यहाँ तक वर्क निकल के आ गया, अब क्वेश्चन को आगे समझते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आपने, स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये देखिए वर्क का फॉर्मूला यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया, वर्क जो था ये वर्क के बराबर चल रहा था, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अच्छा, अब आप बताइए जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को छोड़ के, अर्थ सरफेस को छोड़ के आगे की ओर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है, तो हमारे पास वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, राइट, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, और वर्क जो है वर्क, वर्क ये निकल के आया और वर्क किसके बराबर, एनर्जी के बराबर, तो ये वाली वैल्यू भी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर भी जो है वो जी एम एम अपॉन में आर के बराबर हो जाएगी, राइट।
ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पास एक तरीके की एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी आपस में बराबर हो गए। ये कहने के लिए वर्क है लेकिन वर्क एनर्जी के बराबर, तो ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ से जो ये वी है ना, इस वी की जगह हम वी ई लिख देंगे। वी ई मतलब क्या होता है, नोटिस करो इस बात को, जरूरी है। वी ई होता है अपना एस्केप वेलोसिटी, यही हमें निकालना है। अब यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू जो है वो कट जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू कट जाएंगी, जैसे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, राइट। अब यहाँ पे टू को उस तरफ भेज दो, आप इस टू को उस तरफ भेज दो, तो और यहाँ पे सिर्फ वी छोड़ दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g M डिवाइडेड बाई r, राइट गाइज। और अब अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकालना है यार, सिंपल सी बात है, अंडर रूट भेज दो, काम खत्म। ये निकल गया एस्केप वेलोसिटी, दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इन्होंने भी वही चीज़ कराई है, हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर, ठीक है। यहाँ से आपने वी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पूरा मैंने क्रक्स बता दिया एस एल अरोरा का, आपको अच्छे से समझ में आ गया। एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले पूछेंगे आप, ये लिख देना। अच्छा, एक और चीज़ अभी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी आई है ना, तो आपको मान लो कि आपका सैटेलाइट है, मान लो कि लेट सपोज कितने भी केजी का हो सकता है आपका सैटेलाइट, बस आप उसको कितने वेलोसिटी से बाहर निकालना चाहते हो, तो वो इस वैल्यू से आपको निकल जाएगी। अर्थ का मास डाल देना, रेडियस ऑफ द अर्थ डाल देना, जी की वैल्यू सबको पता है, टू इज ऑब्वियस अ कांस्टेंट, निकालो पुट करो मजे करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ में एक और चीज़ है, देखो इसको रब करते हैं यार, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें स्केप वेलोसिटी तो मिल गया, हमारे को एक चीज़ पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फोर्स जो होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ इस चीज़ को, फिर भी समझ लो, फोर्स जो होता है mg के बराबर ही होता है, और फोर्स जो होता है वो जी एम 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 अपॉन में आर स्क्वायर के भी बराबर होता है। भैया ये दोनों अपन फोर्स है ना, है फोर्स है ना, चलिए तो ये दोनों अपने फोर्स हैं, तो इस फोर्स को इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, तो ये हो गया mg इज इक्वल टू जी एम 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 अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। एम से एम कट गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर में, बहुत बार करा चुका हूँ, आप पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। अच्छा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन भी कहते हैं, एंड दिस कम्स इन एग्जामिनेशन, तो आप इसको अलग से भी नोट कर लेना। अच्छा, ये रिलेशन है अपने पास, मुझे क्या करना है, मुझे ना इस आर स्क्वायर को इस तरफ भेज देना है। देखो अगर आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दूंगा तो जी आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा जी आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया जी आर स्क्वायर, और इधर बच जाएगा जी एम, इधर ये बच जाएगा जी एम, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, अभी समझाते हैं क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। मैं भेजता हूँ उसको, तो इधर आ गया आपका जी एम बच गया, और इधर चला गया स्मॉल जी इंटू मैं कैपिटल आर का स्क्वायर, राइट। एक सेकंड, तो यहाँ तक समझ गए। अब जो अपना स्केप वेलोसिटी निकल के आया था, ये देखो स्केप वेलोसिटी था 2gm अपॉन में आर, तो इस gm की जगह, इस gm की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहीं पे करके देखते हैं इस चीज़ को सॉल्व, न्यू स्लाइड लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। देखो हमारे पास स्केप वेलोसिटी निकल के आया था वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन में आर, राइट। और हमारे पास gm की वैल्यू निकल के आई है स्मॉल जी आर स्क्वायर, कहना ये चाहता हूँ मैं कि इस जी एम को इस जी एम की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, सिंपल तो है। तो इसको इसके जगह आपने पुट कर दिया जी आर स्क्वायर अपॉन में आर अंडर रूट, इस आर से ये आर मर जाएगा, इसके मरने के पश्चात ये बचेगा जी आर अंडर रूट, ठीक है। तो ये आर आपके पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gr, आई होप आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gr, ये चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। तो गाइज यही था आपका एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब एस्केप वेलोसिटी में छोटी सी चीज़ और रह गई है, इस चीज़ को भी समझते हैं। देखो इफ़ पी इज़ दी मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डेंसिटी है वो रो है, आई एम सॉरी, अर्थ का डेंसिटी है रो, तो यार ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी को लिखते हैं रो से, रो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें अगर हमें डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी लिखा जाएगा मास इंटू में, सॉरी हमें मास चाहिए तो मास कैसे लिखा जाएगा, मास यहाँ से हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो मास लिख सकते हैं हम डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। चलो तो इसी चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। अब स्केप वेलोसिटी आपने ये निकाला था वी ई इज इक्वल्स टू 2g अपॉन में r, देखो स्केप वेलोसिटी देखो क्या निकाला था 2gr, ये निकाला था आपने स्केप वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा स्केप वेलोसिटी ये था 2gm अपॉन में r। तो हमें क्या करना है, हमें इस मास को, अर्थ का जो मास है ना, देखो मास हम कैसे निकालते हैं, अर्थ का मास जो है, अर्थ का वो आता है, मास हमेशा होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, अर्थ स्फेरिकल शेप में, वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 πr³ इंटू में डेंसिटी। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू निकल के आ गई। आपको क्या करना है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था रूट में
टू जी एम अपॉन में आर, तो इस जी की जगह ना, सॉरी इस मास की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। टू टू जी अपनी जगह है, टू जी अपनी जगह है, नीचे आर अपनी जगह है, इस मास की जगह, ये जो मास है ना, ये जो मास यहाँ पे है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, 4/3 πr³ इन टू में रो, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक और रिलेशन हो गया डेंसिटी और स्केप वेलोसिटी में। तो अब तक हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।